बैक, दिस इज पलक शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर टॉपिक एंगल बिटवीन टू लाइंस को. तो दो लाइंस के बीच का क्या एंगल होगा वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस. अगर आपको वो वाला टॉपिक क्लियर हो गया तो आपको इस टॉपिक में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली. बट अगर अभी तक आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस नहीं समझा है तो आप लोगों को ये जो लाइन की इक्वेशन वगैरह ये समझ में नहीं आएंगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिलेगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन का. पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 का. तो चैप्टर 11 का बिल्कुल सेकंड लेक्चर आप लोगों को देखना है और उसको देखने के बाद आपको इस लेक्चर पर आना है, जिससे आप लोगों को ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो. सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आपसे बोला है कि एंगल बिटवीन टू लाइन. तो दो लाइन हम लोग सपोज कर लेते हैं. पहली लाइन मैंने मानी आर इज इक्वल्स टू ए वन प्लस लैमडा बी वन. सेकेंड लाइन मैंने मानी आर इज इक्वल्स टू ए टू प्लस म्यू बी टू. मतलब यहाँ पर ए वन ए टू बता दिए, ये आपको बी वन बी टू एंड लैमडा को आपने म्यू से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि लैमडा क्या है, सिंपल एक स्केलर है. तो हमारे पास में ये दो लाइन है. अब हमें इनके बीच में ये जो एंगल है थीटा, ये फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है कि यहाँ पर जो ये बी वन एंड बी टू है ये क्या काम करते हैं. बी वन बी टू हमें बताते हैं कि जो लाइन है ए वन ए टू का मतलब है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है. बी वन बी टू का मतलब है कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में. बी वन क्या है, पैरेलल है लाइन के. बी टू क्या है, दूसरी लाइन के पैरेलल है. तो बी वन क्या है, इस लाइन के पैरेलल होगा. बी टू इस लाइन के पैरेलल होगा. तो जो बी वन बी टू के बीच में एंगल होगा, क्या वही एंगल लाइन्स के बीच में होगा, क्योंकि आपके पास में जो ये वाली लाइन है इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, जो सेकंड लाइन है उसके पैरेलल मैंने बी टू ड्रॉ करा. तो दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वही आपका लाइंस के बीच का एंगल होने वाला है. तो उस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हुए यहाँ पर हमारे पास में बी वन वैक्टर है, हमारे पास में बी टू वैक्टर है, हमें थीटा फाइंड आउट करना है. तो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था चैप्टर 10 में, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास में दो वैक्टर हैं बी वन वैक्टर बी टू वैक्टर और उनके बीच का हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं. डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ता है कि क्या होता है, बी वन डॉट बी टू अगर मैं करूँगी तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू कॉस थीटा. यहाँ से अगर मेरे को कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, क्योंकि मुझे एंगल फाइंड आउट करना है थीटा, तो कॉस थीटा मेरे पास में हो जाएगा बी वन डॉट बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू. ये आपके पास में आ जाएगा कॉस थीटा. तो मतलब अगर आपके पास में दो लाइन गिवन है, उनका आपको पैरेलल वेक्टर गिवन है, ये बी वन एंड बी टू, तो कॉस थीटा निकालने के लिए आपको उन दोनों का डॉट करना है एंड डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू से. क्लियर हो रहा है, ये है आपकी वेक्टर फॉर्म, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपकी वेक्टर में. बट इसको आप लोग क्या कर सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म में भी ले सकते हो. तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है लाइन की, अगर मैंने फर्स्ट लाइन मान ली एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन. सेकेंड लाइन मैंने मानी एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू. तो यहाँ पर आपके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए बी वन बी टू के, ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू. तो आपको क्या करना है, लाइन में सिर्फ और सिर्फ पैरेलल वाली को देखना है, डायरेक्शन रेशियोज देखने. तो पहले आप इस इक्वेशन से निकालें या फिर कार्टेशियन इक्वेशन में आप इससे निकालें. तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब आप बी वन डॉट बी टू करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग सा मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू. एंड जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे बी वन का, ये हो जाएगा रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर एंड रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर. तो या तो आप इस फॉर्म से निकालें या फिर आप इस फॉर्म से निकालें. बहुत ही सिंपल लेक्चर है, मतलब चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 बहुत ही सिंपल है. लोग एक बार पूरे चैप्टर 10 की प्लेलिस्ट देख लीजिए एंड चैप्टर 11 की प्लेलिस्ट देख लीजिए, आप लोगों को चैप्टर 10 और 11 में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली. सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को विद डिटेल कराई हुई है कि ये चीज़ कैसे आ रही है, ये चीज़ कैसे आ रही है, सारी चीज़ें डिटेल में है. ओके, तो अभी यहाँ पर बी वन बी टू यहाँ पर कैसे आए, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, क्योंकि हमें पता है कि जो बी वन वेक्टर है हमारे पास में वो क्या होगा, ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप. क्लियर है. एंड बी टू वेक्टर क्या होगा हमारे पास में, ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप. ये होगा. तो यहाँ से ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू आप लोगों को सिंपली करना है. आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है. तो सिंपल आप लोगों को इस तरीके से कॉस ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है. यहाँ पर आपको साइन थीटा के लिए बोला है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ही अच्छा मेथड होने वाला है. अगर आप लोगों से कभी बोल भी दे साइन थीटा फाइंड आउट करो, तो आप यहाँ से कॉस थीटा फाइंड आउट करो और फिर आप इस आइडेंटिटी को लगाओ. ये चीज़ आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ओके, आप देखो यहाँ पर हमारे पास में काफ़ी सारे केस आ जाते हैं. तो सबसे पहला केस है कि अगर हमारी दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, दो लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच में थीटा है 90 डिग्री का, तो कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा आपके पास में जीरो. तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है
ये कॉस ऑफ 90 के इक्वल होगी, कॉस ऑफ 90 हो जाएगा जीरो, तो ये पूरी इक्वेशन जीरो के इक्वल होगी, तो ये जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटीज हैं उधर जाएंगी जीरो जाएंगी, आपके पास में आ जाएगा कि ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल हो जाएंगे किसके, जीरो के। तो जब भी आपके पास में दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो आपके पास में केस होगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। अगर दो लाइन आपके पास में पैरेलल होती हैं, दोनों के बीच में थीटा कितना होता है, जीरो होता है, तो उस केस में आपके पास में कंडीशन होती है कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के को लीनियर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी। क्या बोलोगे, एक लाइन के लिए मैंने बी वन वैक्टर मान लिया, एक के लिए बी टू वैक्टर मान लिया, तो आप बोलोगे कि बी वन वैक्टर इज इक्वल टू योर लैमडा टाइम्स बी टू वैक्टर, ठीक है, तो बी वन बी टू क्या होंगे, आपस में प्रोपोर्शनल होने वाले, तो कंडीशन इस तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास में कुछ कंडीशन यहाँ पर है नहीं, हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ से आपसे बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन्स गिवन बाय दिस, तो एक लाइन है आपके पास में आर इज इक्वल टू ए प्लस लैमडा दिस, सेकेंड आर इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू दिस, तो आपको क्या करना है, इन पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, इन पे फोकस नहीं करना, यहाँ से बी वन निकालो, तो b1 आप निकालोगे तो यहां से आपके पास में b1 क्या आ जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b से कंपेयर करना है, तो a को तो हटा दो, लैम्डा के अंदर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो निकाल लो, यहां से अगर मैं b2 निकालूं तो b2 मेरे पास में क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, तो b1 b2 निकालना आ गया। अब सिंपल हम इनको ले जाएंगे और फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो जैसे आप यहाँ पर इन्हें फॉर्मूले में पुट करते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी वन डॉट बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू, बी वन डॉट बी टू क्या हो जाएगा, वन इंटू थ्री आपके पास में आ जाएगा थ्री प्लस टू इंटू टू फोर प्लस टू इंटू सिक्स ट्वेल्व अपॉन इसका मैग्नीट्यूड आएगा रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपके पास में, रूट ऑफ नाइन जेट इज थ्री, यहाँ पर आ जाएगा सेवन रूट ऑफ 49 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेवन, तो आपके पास में आंसर आ गया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 21, यहाँ से थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21, क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप सभी को। आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 10, इसमें आपसे बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन दिस, तो आपको मैंने कार्टेशियन करा दिया, वेक्टर ऊपर हमने क्वेश्चन से कर लिया, अब हम यहाँ से कार्टेशियन सीख लेंगे, तो कार्टेशियन के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में बी वन वैक्टर आ जाएंगे 354, यहाँ से आपके पास में आ जाएंगे ए टू बी टू सी टू 111, इन तीनों को आप लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा, क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप सभी को। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे बोला है प्रूफ दैट द लाइंस x इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी, जेड इज इक्वल्स टू सी वाई प्लस डी एंड x इज इक्वल्स टू ए डैश वाई प्लस बी डैश, जेड इज इक्वल्स टू सी डैश वाई प्लस डी डैश आर परपेंडिकुलर इफ ए डैश प्लस सी सी डैश प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब आपको दो सेट दिए हुए लाइन के और ये कार्टेशियन फॉर्म में आपको दिए हुए, तो आपको शो करना है कि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, 90 डिग्री पर कट करेंगी जब हमारे पास में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपको ये चीज कैसे पता चलेगा कि ये कार्टेशियन इक्वेशन से है या आप यहां से लाइन कैसे बनाएंगे, वो चीज मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन स्पेस में समझाई थी, एक बार मैं फिर से आप लोगों को यहां पर समझा रही हूं। तो सबसे पहले देखिए हम इस वाली लाइन की बात करते हैं, यहां पर हमारे पास में लाइन है x इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी एंड z इज इक्वल्स टू सी वाई प्लस डी, अगर मैं यहां से y लिखती हूं तो ये हमारे पास में y आ जाएगा x माइनस बी अपॉन a इज इक्वल्स टू y, अगर मैंने इस इक्वेशन से y लिखा तो ये मेरे पास में आ जाएगा x माइनस बी अपॉन a, अगर मैं यहाँ से y लिखती हूँ तो ये हो जाएगा z माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल्स टू y, तो हमारे पास में बेसिकली इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की आ जाएगी कि x माइनस बी अपॉन a इज इक्वल्स टू योर y, y हम किस तरीके से लिख सकते हैं y माइनस जीरो, y में से जीरो माइनस कर दिया अपॉन वन, इस तरीके से लिखा जा सकता है इज इक्वल्स टू z माइनस डी अपॉन सी, ये हमारी हो गई फर्स्ट लाइन की इक्वेशन जब हमने इसे कार्टेशियन में चेंज किया। इसी तरीके से जब आप सेकंड को कार्टेशियन में चेंज करेंगे तो सेकंड के लिए जब आप यहाँ से y निकालेंगे ये हो जाएगा x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल्स टू y माइनस जीरो अपॉन वन इज इक्वल्स टू योर z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश, ये हमारे पास में हो जाएगी इक्वेशन सेकंड लाइन की। अब हमें क्योंकि शो करना है दोनों एक दूसरे के क्या हैं परपेंडिकुलर हैं, तो उनको परपेंडिकुलर शो करने के लिए हम कॉस ऑफ थीटा के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। पर हमारे पास में दो लाइन की इक्वेशन आ गई, पहले लाइन की इक्वेशन आपके पास में x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई अपॉन वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस डी अपॉन सी, सेकंड लाइन की इक्वेशन आपके पास में x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल्स टू वाई अपॉन वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस डी डैश अपॉन सी डैश। अब अगर मैं कॉस थीटा के लिए बात करती हूँ यहाँ पर, तो कॉस ऑफ थीटा हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस थीटा क्या होता है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, तो कॉस ऑफ थीटा हमारे पास में क्या हो जाएगा ए वन, पहले के लिए ए वन है ए, सेकेंड आप देखोगे यहाँ पर है ए डैश, तो जब आप इनके डायरेक्शन रेशियोज को लिख रहे हैं तो इसके मैं पहले आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज बता देती हूँ, तो इस वाली लाइन से डायरेक्शन रेशियो हमारे पास में आएंगे ए वन एंड सी,
यहाँ से हमारे पास में जो सेकंड लाइन से डायरेक्शन रेशियो आएंगे वो आएंगे ए डैश वन एंड योर सी डैश। तो इन दोनों से हम लोग कॉस ऑफ थीटा लिखते हैं, तो कॉस ऑफ थीटा हमारे पास में हो जाएगा ए ए डैश प्लस वन इंटू वन दैट इज वन प्लस सी सी डैश, क्लियर हुआ। अपॉन आपके पास में आएगा रूट ऑफ, पहले हम फर्स्ट का स्क्वायर करते हैं ए स्क्वायर प्लस वन प्लस सी स्क्वायर, सेकेंड हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश का स्क्वायर प्लस वन प्लस आपके पास में आ जाएगा सी डैश का स्क्वायर। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि उनके बीच में जो एंगल है वो हमारे पास में थीटा हो जाएगा 90 डिग्री का। तो उसका मतलब क्या होगा, थीटा 90 होते ही कॉस ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा जीरो। तो ये पर्टिकुलर क्वांटिटी जो हमें यहाँ पर है ये हमारी हो जाएगी इक्वल्स टू जीरो के। जैसे आप इसे इक्वेट करेंगे जीरो के, यहाँ से हमारे पास में ए ए डैश प्लस वन प्लस सी सी डैश आ जाएगा जीरो के इक्वल। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को? सो ये जो क्वांटिटी है ये आपकी उधर शिफ्ट होगी और ये तीनों चीज़ इक्वल आ जाएंगी जीरो के। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी जो हमें क्वेश्चन में पूछा था। सिंपली क्या था, आपको वहाँ से कार्टेशियन से लाइन मिलाना था, डायरेक्शन रेशियोज निकालने थे और फॉर्मूले को पुट करना था। क्योंकि आपको गिवन है दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो थीटा को आप लोग 90 पुट करेंगे, कॉस ऑफ 90 जीरो हो जाएगा, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एंगल बिटवीन टू लाइन्स में जिस भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। एंड इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लोग देखेंगे चैप्टर वाइज, तो उसमें और ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब इस टॉपिक से आप लोग क्वेश्चन इजिली आप टैकल कर सकते हो। अगर आप लोगों को सिंपल एक फॉर्मूला आपको याद करना है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। मैंने आपको बता दिया कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला कहाँ से आता है, किस तरीके से आप बी वन वैक्टर और बी टू वैक्टर से निकालते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियर हो गई हैं, तो इस टॉपिक को आप लोग पूरे तरीके से अपनी ग्रिप बना चुके हैं इस टॉपिक पर। अब आपको कुछ नहीं करना, दो चार आप एनसीईआरटी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को करा ही दिए हैं। एंड आई होप आप लोगों को जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने समझी वो अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन रिगार्डिंग एनी प्लेलिस्ट रिगार्डिंग एनी लिंक रिगार्डिंग एनी लेक्चर, अगर आप घर पे कोई टॉपिक प्रैक्टिस कर रहे हो उसके किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपनी वीडियो के नीचे आपको जैसे ही चैनल के नेम के साइड में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा उस पर आप क्लिक कर दीजिए प्लीज़। एंड आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है सारे दोस्तों के साथ में जिससे उनका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। एंड अगर कोई लेक्चर आपका चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर फोर में से मिस हो गया तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जब आप चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आपको बेल आइकन मिलेगा, उस पे आपको ऑल जरूर प्रेस कर देना है जिससे आपको सारे ही लेक्चर्स का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। जितने भी लेक्चर्स मैं यहां से अपलोड करूंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर टिल द एंड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल मीट यू एवरीवन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।